सो इस तरह की वीडियो आप अपने वी एन ऐप में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो यह बिना बात ज़्यादा किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वी एन ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये प्ले स्टोर मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। एंड इसके तो आपको नीचे एक प्लस मिलेगा, तो इस प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो इतना होने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा फिल्टर्स, तो आपको यहाँ पर फिल्टर्स पे क्लिक कर देना है। एंड आपको यहाँ पर मिलेगा एडजस्ट, तो आपको एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। एंड इतना होने के बाद आपको यहाँ पर जो एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड कॉन्ट्रास्ट को आपने यहाँ से 100 कर देना है, फुल कर देना है। एंड यहाँ से ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम कर देना है। एंड सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देना है। एंड वाइब्रेंस को भी हल्का सा बढ़ा देना है। टेम्परेचर को छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा HSL, तो इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपने ग्रीन वाले कलर को ले लेना है। एंड यहाँ से आप ग्रीन का आपने ह्यू को माइनस कर देना है 0, सिचुएशन को 0 कर देना है। एंड लाइटनेस को भी 0 कर देना है। एंड इतना होने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड इसका भी आपने सिचुएशन बिल्कुल माइनस कर देना है, ह्यू को भी माइनस कर देना है। एंड लाइटनेस को भी फुल माइनस कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना, इसका भी आपने सिचुएशन बिल्कुल माइनस, एंड ह्यू को भी बिल्कुल माइनस, एंड लाइटनेस को भी बिल्कुल माइनस। तो इस तरह से इसका भी आपने यहाँ पर सिचुएशन माइनस कर देना है, एंड इसका भी आपने सिचुएशन बिल्कुल माइनस कर देना है। एंड इतना होने के बाद आपको यहाँ पर येलो मिलेगा, येलो पर क्लिक कर देना है। एंड येलो का आपने हल्का सा देख लेना अपने वीडियो के हिसाब से। तो मैं यहाँ से सिचुएशन हल्का सा कम कर देता हूँ, लाइटनेस को हल्का सा बढ़ा देता हूँ। एंड यहाँ से आपने ऑरेंज को ले लेना है, तो ऑरेंज का मैं थोड़ा लाइटनेस बढ़ा देता हूँ, तो इतना सही है। एंड सिचुएशन को भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ, एंड ह्यू को हल्का सा कम। एंड इसके बाद आपको यहाँ रेड को ले लेना है, रेड का भी आपने लाइटनेस हल्का सा बढ़ा देना है। एंड सिचुएशन हल्का कम कर देना है। एंड ह्यू को भी हल्का सा माइनस की तरफ। एंड इतना होने के बाद आपको यहाँ पर शार्पनेस भी क्लिक कर देना है, शार्पन पर। एंड इसका भी आपने इसको शार्पन को भी हल्का सा बढ़ा देना है, तो मैं इतना रख देता हूँ। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर हाईलाइट्स भी क्लिक कर देना है, हाईलाइट्स को भी आपको हल्का सा बढ़ा देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। तो यहाँ पर ब्लैक इफेक्ट लग चुका है। एंड इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक कर देना है। एंड आप यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है आपका जिस इफेक्ट पर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वहाँ पर रख देना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइट, तो यहाँ लाइट पर क्लिक कर देना है। एंड आपको यहाँ पर मिलेगा LT1 LT2, तो आपको यहाँ पर LT2 पर रख देना है। ये तो आप यहाँ पर सही नहीं लगा, तो आपको यहाँ पर पर्सन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा PN1, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो रख देना। तो अभी मैं यहाँ पर लाइटन पे रख देता हूँ, लाइट का LT2 पर रख देता हूँ। एंड यहाँ से डन कर देता हूँ। एंड इतना होने के बाद आपको यहाँ पर ब्लर इफेक्ट लगाना है। तो आपको जितना आपने ब्लर इफेक्ट लगाना है वीडियो पर, तो उतने हिसाब से यहाँ मैं इतना रख देता हूँ, इतना तक मैंने ब्लर कर देना है। तो यहाँ से नीचे से आपने स्प्लिट कर देना है। एंड आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में लगा टैप टू ऐड स्टिकर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर वीडियो और फोटो पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये रहा। सो इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में जाना है। एंड आपको यहाँ पर मिलेगा फिल, तो आपको इस फिल पर क्लिक कर देना है। एंड आपको यहाँ पर मिलेगा ब्लेंडिंग, तो आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। एंड आपको यहाँ से लास्ट में जाना है। एंड लास्ट में आपको मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है। एंड इसका ऑपेसिटी हल्का से कम कर देना है, तो मैं आई थिंक इतना रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। एंड यहाँ से आपने जो एक्स्ट्रा पार्ट है ब्लर का, तो इसको डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ से आगे डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए आपको ऊपर साइड जो लेयर है इस पर क्लिक कर देना है। एंड नीचे से आपको यहाँ पर मिलेगा स्प्लिट, तो आपको स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। एंड इस वीडियो पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। एंड इतना होने के बाद आपको नीचे प्लस मिलेगा, इस प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड आपको यहाँ से एक इफेक्ट यहाँ से इस वाले को ले लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ ड्यूरेशन को। एंड यहाँ से डन कर देता हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा ब्लर भी लग चुका है, तो कुछ इस टाइप से आपका हम ब्लर लग जाएगा। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ ब्लैक इफेक्ट भी यहाँ पर लग चुका है। तो इतना होने के बाद आपको वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर साइड में लगा एक एरो, तो इस एरो पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से रेशियो आपने अपने हिसाब से रखना है। यहाँ से नीचे आपको मिलेगा डन, तो आपको डन पे क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। सो गाइस आज के लिए बस यही तक, मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में।